और अब बात डी कंपनी की। दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों पर एनआईए ने शिकंजा और भी ज्यादा कस दिया है। दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम घोषित है। डी गैंग से जुड़े लोगों की जानकारी देने वालों को यह इनाम दिया जाएगा। डी कंपनी ने भारत में हमले के लिए अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। खुद को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश डी कंपनी कर रही है। दाऊद गैंग भारत में सभी तरह के गलत धंधों में शामिल है। भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम पर घोषित किया इनाम। दाऊद के खास छोटा शकील पर 20 लाख का इनाम। हाजी अनीस, जावेद चिकना और अब्दुल मेनन पर 15-15 लाख का इनाम। 1993 मुंबई ब्लास्ट समेत देश में कई बड़ी आतंकी घटनाओं में शामिल मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक दाऊद की डी कंपनी ने भारत में एक स्पेशल यूनिट शुरू की है, जिसकी मदद से वो आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की जासूस एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत के बड़े राजनेताओं और कारोबारियों को टारगेट करना चाहता है। ये जानकारी मिलने के बाद देश की खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। कई मामलों में भारत को दाऊद की तलाश है। एनआईए अधिकारी के मुताबिक एजेंसी ने दाऊद पर इस साल फरवरी में फिर से केस दर्ज किया था। एनआईए ने इस साल मई में दाऊद के खिलाफ केस में 29 जगहों पर छापेमारी भी की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दाऊद पर पहले से ही 25 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया हुआ है। दाऊद की आखिरी लोकेशन पाकिस्तान के कराची में मिली थी, लेकिन अभी वो कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।